नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईरान और इजराइल का जो युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये विकराल रूप धारण करने वाला है या फिर यहाँ पर कोई वर्ल्ड वॉर के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से हमारे मार्केट पर अब इसका असर होने वाला है, क्या आप भी पुट बाय करके बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं क्या इस फ्राइडे को? और फ्राइडे के दिन में अगर आपने गौर किया हो दोस्तों, तो आपने एक चीज शायद नोटिस की होगी कि उस दिन मार्केट के अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर कितना बड़ा मूव आया था। मतलब अगर आप वहां पर 10,000 रुपए भी लगा देते तो वो 10 लाख बन जाते, इतना बड़ा मूव आया। और जिन्होंने वहां पर गलती की होगी ना, तो 10 लाख का जीरो भी कर लिया होगा 2 ही मिनट के अंदर अंदर। तो यही चीज है इस समय जो हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर हम पूरी विस्तार में बात करने वाले, किस तरह का आपको अपना माइंडसेट अभी करना चाहिए क्लियर, और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ अभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे आज पे हो दिनों के बाद आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। हम बहुत दिनों के बाद आप यूट्यूब पर लौटे हैं और एकदम आप लौट ही आए हैं, क्योंकि अब हमारे कंपनी का भी सेटअप हो चुका है और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। बहुत सारे काम थे वो कर लिए, ऑफलाइन ऑफिस भी अब चालू हो चुका है और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये पता होगा ही कि इस समय ईरान और इजराइल का यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और उसमें क्या ईगो की भी बात है ना, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने मिसाइल छोड़ी, वो अपने आयरन ड्रोन के ऊपर भी बहुत कूद रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही। तो अब यहाँ पर बात ये आती कि इंडिया किसका साथ देने वाला है। तो यहाँ पर इंडिया, देखिए आज की अगर हम कंडीशन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया शायद ही अब भी किसी का साथ दे। फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया किसका साथ देने वाला है, वैसे देखा जाए तो इसराइल का देना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अभी क्या है, इसराइल की तरफ US है और रूस किसकी तरफ है, ईरान की तरफ। तो वहां पर ईरान की तरफ जब रूस है वो उसको, क्योंकि अमेरिका का भी मकसद है कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो अपना वर्चस्व कायम करे, और ईरान का मतलब है कि नहीं, इधर जो मुस्लिम कंट्री है ना उसका बादशाह तो मैं ही रहने वाला हूँ। तो यही सारी चीजें चल रही हैं जिस वजह से यहाँ पर आपको ये युद्ध और बड़े लेवल पर जाते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दें हम आपके लिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल पुट बाय करके बैठ जाएं या फिर सेल करके बैठ जाएं सब कुछ। देखिए बहुत सारी चीजें, शायद बहुत से लोग जो कोविड के बाद ही मार्केट में हैं उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन जो कोविड से पहले से मार्केट में है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मार्केट कैसे चलती है। मार्केट का एक रूल और भी है दोस्तों, वो कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि रिटेलर जितना है ना, जितने ऑप्शन बायर है ना, वो कभी जल्दी इन मूव्स को नहीं पकड़ पाते हैं चाहे मार्केट कैसा भी हो। तो वही चीज है, आपको भी इस बात पे नजर रखनी पड़ेगी कि आप नेकेड ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पुट ही लूंगा इसके अलावा लूंगा ही नहीं कुछ, मैं सेल ही करूंगा इसके अलावा नहीं करूंगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और न्यूज की बात करें ना, तो दोस्तों न्यूज तो आप देखेंगे, अभी चैनल लगाएंगे तो उस पर लिख के आ जाएगा World War III स्टार्ट, ये स्टार्ट वो स्टार्ट, उसने परमाणु धमकी दे दी, वो परमाणु का बटन अभी दबाने वाला है, उंगली उसी पर है। तो ऐसी सारी चीजें चलती हैं मार्केट के अंदर, और आपको इन सारी न्यूज पर बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप कोई चीज अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ न्यूज सुना और पहुंच गए मार्केट के अंदर, आपने सीधे वहां पर कुछ भी खरीद लिया बेच दिया, बस आपका वहां पर लॉस हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए इजराइल भी कमजोर नहीं है, इजराइल के बारे में शायद आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इजराइल किस तरह से बड़े बड़े देशों को भी हरा चुका है, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट भी है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो युद्ध उनके बीच में जरूर हो रहा है, ये आगे विकराल रूप धारण कर सकता है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब ये एक दिन के अंदर क्लियर नहीं होगा, अभी मान के चलिए 5-6 दिन लगेंगे, इसमें आपके सामने पूरी तस्वीर आ जाएगी।
बात, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब रूस ने हमला किया था तब उसके बाद भी क्या चल रहा था कि परमाणु बम अभी फटा, आज ही मिसाइल लॉन्च करी दी है, बिल्कुल रख दी है, बटन दबाई दिया है, ऐसे न्यूज चल रही थी, लोग पुट बाय कर करके बैठ गए और क्या हुआ वहां पर, सिर्फ लॉस हुआ, मार्केट ऊपर ये डाटा आया, मार्केट ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि आप किस नज़रिए से किस बिहाव पर ले रहे हैं। न्यूज़ के बिहाव पर अगर लेंगे सिर्फ तो आपको लॉस होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिए, सेबी भी अभी कुछ रूल लेकर के आने वाला है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर, तो उसकी वजह से भी मार्केट में आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के कहें, और दूसरा सबसे बड़ा इवेंट आप जानती है क्या है कि हमारे इंडिया पर इस समय क्या है, इलेक्शन का जोश चढ़ा हुआ है। तो इंडिया में हो रहे हैं चुनाव 2024 के लोकसभा के, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी मिक्सअप हो चुकी हैं। और आप जानते होंगे चुनाव के समय किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है, तो उसी बिहाव पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्लियर कट तरीके से आपको चलना चाहिए दोस्तों, तब आप यहां पर बेनिफिट उठा पाएंगे, मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो रिटेल निवेशक को खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि वो किस स्ट्रेटेजी के बिहाव पर निवेश करने वाला है, या फिर क्या उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचने का प्लान, बहुत सारे लोगों ने तो अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचने का भी प्लान कर लिया होगा, तो यही गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए अगर सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, कोई फर्क नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 हो 4 हो 5 हो, दुनिया खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं है, जब सब खत्म होंगे हम भी खत्म हो जाएंगे। और बाकी कोविड के समय से लोगों को समझ में आ गया है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर चलता है, किसी रीजन की वजह से अगर वो डाउन हो भी जाता है तो वापस आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा, तब आप यहाँ पर कुछ भी बाय और सेल कीजिएगा दोस्तों। तो शायद आप इन सारी चीज़ों को समझ होंगे, वॉर जरूर स्टार्ट हो चुकी है और बड़े रूप भी ले सकती है आगे चल के, पक्का तो नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर होता है तब वहां पर आप पैसा बना सकते हैं। तो अगर यहां पर एक सिंपल स्ट्रेटेजी बात करूं, अगर आपको बहुत श्योर है ना कि मार्केट तो डाउन होगा ही होगा, अच्छा मार्केट गिरेगा बहुत अच्छा, तो अगर आप 150,000 से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 5,000 रुपए किसी फार आउट ऑफ द मनी में पैसा लगा दीजिए पुट साइड, अगर वो बना, जो कि आप मार्केट के मूव आजकल देख ही रहे हैं, बना तो 5,000 का 50,000 5 लाख कभी भी बन जाएगा, और नहीं बना तो समझ लीजिए आप उस दिन गलत, लेकिन अपने पूरे पैसे पर रिस्क मत लीजिएगा दोस्तों बेफिक्र होकर के, मतलब आप सिर्फ ऐसे अपने ख्याली पुलाव में बना के अगर ले लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। और हमारा मकसद है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, चाहे थोड़ा कमाइए, मार्केट में बने रहेंगे जितने लंबे समय के लिए उतना ज़्यादा पैसा बनता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चली सीढ़ी पर एकदम से ऊपर नहीं पहुंच सकते, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो शायद ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों।